आइए बच्चों, अभी हम तीसरा प्रॉब्लम करते हैं। तो क्या कहता है हमारा तीसरा प्रॉब्लम? सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। जो सर्कल है वो पैरेललोग्राम के हर एक साइड को टच कर रहा है। सो द पैरेललोग्राम मस्ट बी अ डॉट 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 डॉट, उस डॉट को भरना है। तो पहला ऑप्शन है रेक्टेंगल, दूसरा ऑप्शन है रोम्बस, तीसरा ऑप्शन है स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है ट्रेपेजियम। तो यहां पर हमने ऑलरेडी रोम्बस को टिक किया है। तो ये कैसा आता है हम देखेंगे। हमने क्या किया, यहां पर एक सर्कल बना लिया और यहां पर ये ए एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से हमने टेंजेंट्स बना लिए। ठीक है, यहां पर ये बीपी टेंजेंट है, बीक्यू टेंजेंट है, सीक्यू टेंजेंट है, आरसीआर टेंजेंट है, डीआर टेंजेंट है, डीएस टेंजेंट है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेट एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम विच सर्कमस्क्राइब द सर्कल, यानी वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी सर्कल को बाहर से घेर के रखा है। एपी इज इक्वल टू एएस, एपी जो है वो एएस है। BP is equal to BQ है, ये BQ किसके बराबर है, BQ के बराबर है। CR CQ के बराबर है, तो CR CQ के बराबर है और DR DS के बराबर है, ये DR DS के बराबर है। क्यों? तो tangents drawn from an external point, जो tangent है हमने यहां से external point से निकाल दिए है, तो वो क्या होगा, length में equal होगा, यानी AP AS के बराबर होगा, BP BQ के बराबर होगा। यहां पर ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट हो और यहां से हमने क्या किया है, टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया है। अब कंसीडर AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR प्लस CR प्लस DR, ठीक, इज इक्वल टू AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, ये हमने लिख लिया है। हमने क्या किया है, ये कंसीडर किया है चार चीजें। अब यहां पर देखो बच्चों, AP प्लस BP क्या होता है, AB होता है, CQ BQ प्लस CQ क्या होता है, CB होता है, CR प्लस DR क्या होता है, CD होता है, और AS प्लस DS क्या होता है, AD होता है। तो हमने यहां पर उसको लिख लिया है, AP प्लस BP की जगह पे AB लिख दिया है, CR प्लस DR की जगह पे CD लिख दिया है, AS प्लस DS की जगह पे AD लिख दिया है और BQ प्लस CQ की जगह पे BC लिख दिया है। बट AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू CB। क्यों? क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, इसलिए हमने इसको लिख दिया, जिसके कारण ये जवाब हो जाएगा CD AB हो जाएगा। तो हम यहां पर CD की जगह पे AB पुट कर देंगे, उसी तरह से AD की जगह पे हम BC पुट कर देंगे, तो AB प्लस AB 2AB, BC प्लस BC 2BC। तो यहां पर हमने लिख दिया है 2AB इज इक्वल टू 2BC, दो दो मर गया, बच क्या गया, AB इज इक्वल टू BC। सिमिलरली वी गेट AB इज इक्वल टू DA, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, AB इज इक्वल टू DA एंड DA इज इक्वल टू CD को प्रूव कर सकते हैं। इसी से हमें पता चलता है जो ABCD है वो रोम्बस है, यानी ये क्या कर रहा है, रोम्बस की जो क्वालिटीज है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसके कारण हमने कहा कि ये जो है ये रोम्बस है, राइट। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।